क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान में नवनिर्मित मॉडल सेमिनार हॉल का आज उद्घाटन किया गया। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह व राज्य मंत्री संसदीय कार्य ग्राम विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास आनंद स्वरूप शुक्ला के द्वारा आज इस कार्यक्रम में उद्घाटन किया गया। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आज नव निर्मित मॉडल सेमिनार का उद्घाटन कार्यक्रम किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट राज्य मंत्री दोनों लोग मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के द्वारा रायबरेली के विकास कार्यों की सराहना की गई। उन्होंने रायबरेली के जिला अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि वो रायबरेली जिले के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं और उनके साथ में उपस्थित राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने भी कहा कि रायबरेली में जो भी विकास कार्य चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं। इसके बाद में एक समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री गरीबी उन्मूलन एवं मनरेगा के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा कार्यक्रम में भी मंत्री जी ने रायबरेली के जिला अधिकारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि रायबरेली के जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव के द्वारा विकास कार्य काफी सही तरीके से कराए जा रहे हैं और आम जनमानस को योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। आज इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर कई सारे बड़े फैसले भी लिए गए। हम आपको बता दें कि आज रायबरेली पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह व उनके साथ में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला और उन्होंने क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान में नव निर्मित मॉडल सेमिनार हॉल का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद में उन्होंने एक समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया था, जिसमें तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सभी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह व राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी को धन्यवाद दिया। 56 से 57 करोड़ हम कर चुके थे और केवल वित्तीय प्रगति की बात नहीं है, हमारे जो भौतिक प्रगति है उसके क्षेत्र में हमारे जितने भी खंड विकास अधिकारी हैं और जो हमारे अन्य अधिकारी, उन्होंने काफी मेहनत की है और आपके मार्गदर्शन में लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। और मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ, महानिदेशक महोदय को आश्वस्त करता हूँ कि आगे भी हमारे ये कार्य जारी रहेंगे और आपके जो भी समय समय पर दिशा निर्देश मिलेंगे उसका पूर्ण पालन किया जाएगा। मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री दयागढ़ का एवं महानिदेशक महोदय का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से आपने रायबरेली जनपद को ये बहुमूल्य समय प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नरेंद्र मोदी जी न होते तो आज देश का सम्मान हिमालय की तरह ऊंचा पूरी दुनिया के सामने न दिखता। आज ये साबित किया है नरेंद्र मोदी जी की अर्थनीति ने, नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति ने, नरेंद्र मोदी जी की रक्षा नीति ने और नरेंद्र मोदी जी की विकास नीति ने ये प्रमाणित कर दिया है। विपक्ष के लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने हिंदुस्तान के विकास के साथ बहुत धोखा किया है। चाहे वो रक्षा का क्षेत्र रहा हो उसमें दुनिया भर के घोटाले हुए, चाहे वो दूरसंचार का क्षेत्र रहा हो उसमें इतनी मोटी किताब है भ्रष्टाचार की कि जिसे पढ़ने वाला थक जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी जी की किताब बड़ी, वो वाइट पेपर उनका बहुत विजिबल है, ट्रांसपेरेंट है, रीडेबल है, हर व्यक्ति की निगाह के सामने जब वो प्रस्तुत होता है एट ए ग्लांस पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का विकास दिखता है। इसलिए उनकी बात का मैं उत्तर दूँ, अपना समय खराब करूँगा। इस देश को नरेंद्र मोदी जी के विचारों की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हो, यशस्वी हो, जीवन के अंतिम क्षण तक इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करें, ये प्रभु से प्रार्थना। रैली को मैं धन्यवाद दूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास मंत्री के रूप में मैंने और जनपदों की समीक्षा की, यहाँ की स्थिति बेहतर है और जिलाधिकारी जी ने जो मुझे आश्वस्त किया है कि अगर कहीं कोई कमी है उसे पूरा कराएंगे। अगर आप लोगों का कोई सुझाव, आपका, जनता का, आप हमारी ज़रूरत है, आप के सहयोग से हमारे कार्य में निखार आता है, मजबूती आती है। इसलिए मैं यहाँ के जिला प्रशासन को और विशेषकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अपने राज्य मंत्री जी को और अपने अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास को, आयुक्त ग्राम विकास को मैं धन्यवाद दूंगा कि उसकी सारी समीक्षा हमारे राज्य मंत्री जी के पास है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में
देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम है और उसमें रायबरेली की स्थिति बड़ी संतोषजनक है। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा ग्राम विकास विभाग को, पंचायत राज विभाग को, यहाँ के जिलाधिकारी को। तो मैंने बताया कि हमारे जो राज्य मंत्री जी हैं, हमारे जो अपर मुख्य सचिव जी हैं, महानिदेशक SIRD, इनका भी बहुत ही सकारात्मक सहयोग मिलता है। तो इन सबको के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी समीक्षा करेंगे तो राज्य मंत्री जी आपको गाइड देंगे।